tía. Good morning, class. Ready? Good morning, class. And good morning, student. Now, we are going to start your chapter. Your fourth unit is corporate governance. And मैंने सब मतलब सब स्टूडेंट से बोला था कि मुझे उसका सिलेबस अरेंज करा दे, बट नहीं करा पाए. कोई बात नहीं, सो के अरेंज माई सेल्फ मैंने कर लिया है खुद ही. आई ऑलरेडी अरेंज माई सेल्फ. और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक. हम लोगों ने कवर कर लिया है जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. प्रिंसिपल जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाए थे उसी के प्रिंसिपल्स. थ्योरीज भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट थ्योरी. थ्योरी में मैंने आपको एजेंसी थ्योरी, स्टॉक होल्डर थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी, ये सब मैंने आपको कवर करा दिया था. ठीक है, आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाकर आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताऊंगी इसका. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन एथियोस. ये वैसे हम लोगों ने पहली क्लास जब मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ब्रीफ दिया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से है, कैसे आया है, मैंने आप लोगों को एक पहले बता दिया है. पर आज मैं तुम लोगों को ऑफिशियली बता देती हूँ कि जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडिया में आज का नहीं है. लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने बाहर से उठाया है. ठीक है, बल्कि बाहर के लोगों ने हमारे शास्त्रों से उठाया है. मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडिया के अंदर वो एंशिएंट कनेक्शन है. एंशिएंट कनेक्शन का मतलब होता है हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है. There's a great deal of similarity in the governance structure of ancient kingdoms. बिल्कुल सही बात है. मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था जो हमारे कौटिल्य थे हमारे चाणक्य थे, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में चार वर्ड्स का बहुत जबरदस्त तरीके से उल्लेखन किया था जिसमें मैंने आपको वर्ड याद करे. अगर कि सबने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है जिसमें था मैंने चार वर्ड बोले थे, वृद्धि, पालन, रक्षा एंड योगाक्षमा. ये चारों वर्ड आज हम लोग अगर अपने इंटरप्रेट करें अपनी लैंग्वेज में तो हम चारों वर्ड का मतलब आज के टाइम पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर. देखिए एंशियंट किंगडम, आप लोगों को पता है पुराने समय में हमारे बहुत सारे राज्य महाराजा रहे हैं. एंड मॉडर्न कॉर्पोरेशन एज एविडेंट फ्रॉम अवर एंशियंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास. आप लोगों को पता है हमारे कितने वेद हैं, चार वेद हैं, आयुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद. मनुस्मृति, सोमदेव स्तुति, भार उत्पाद्या, नीति स्तुति, अर्थशास्त्र, इस तरह की बहुत सारी इसमें आप लोगों के लिए अगर बात करें तो ये वेद और अर्थशास्त्र आप लोगों ने सुना है जो बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं. ये जो पीछे मैंने बोले मनुस्मृति एंड ऑल, ये आप लोगों ने कम सुने होंगे. विच फोकस ऑन गॉड गुड गवर्नेंस. और जो उपनिषद से अगर आप लोगों को और याद हो उपनिषद वेद एंड एपिक काव्यस लाइक महाभारत, रामायण एंड भगवद गीता, इन चीजों का नाम तो आप लोगों ने सुना है. हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से ये चीज सुनते रहते हैं. बल्कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे अगर जो मार्थोलॉजी में बिलीव करते हैं उन लोगों ने भगवद गीता, रामायण, महाभारत. महाभारत की तो मैं बात नहीं करती, बट रामायण और भगवद गीता तो मैंने पढ़ा है. ठीक है, एम्फेसाइज द एसेंस ऑफ एथिक्स बीइंग फॉलोड फ्रॉम विद इन, बी इंडिविजुअल और बी द किंग और द होल किंगडम. बिल्कुल सही बात है. अगर हम एथिक्स की बात करें तो हमें इंडिविजुअली अपने आप एथिक्स मॉरल्स को फॉलो नहीं करना होता है, बल्कि अगर इंडिविजुअल है वो उसके लिए भी एथिकल नॉर्म्स जरूरी होते हैं. एक राजा है उसके लिए भी जरूरी होते हैं, और उस प्रजा को चलाने के लिए, उस राजा के लिए, अपने किंगडम को चलाने के लिए उसके लिए भी एथिकल नॉर्म्स क्या होते हैं, जरूरी होते हैं. क्योंकि सीधी सी बात है, बिना एथिकल नॉर्म्स के आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आपके अनएथिकल बिहेवियर को हर व्यक्ति आज नहीं कल नहीं पढ़ सकता, कर लेगा जज कर लेगा, और डेफिनेटली वो आपसे अपने कनेक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. तो ऑल रिलीजियस टीचिंग्स और फिलोसफिकल राइटिंग कैन गेन सम डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नेंस. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ रामायण, द सागा ऑफ रामास लाइफ रिटन बाय वाल्मीकि. आप लोगों को पता है रामायण किसने लिखी थी, हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी थी. इज वाइडली अक्लेम्ड एज अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आर हू यू नो दैट क्या आपका थे वाल्मीकि कौन थे. अगर हम वाल्मीकि के पास में जाएं, अगर हम वाल्मीकि के पास में जाएं तो वाल्मीकि क्या आपका जटारिस्ट, वो एक गुंडे थे. वो उन लोगों, वाल्मीकि ने अल्टीमेटली आप ये देखे वाल्मीकि तो बाद में आदिकवि वाल्मीकि जो नाम से फेमस है, वो कभी अंगुलीमाल के नाम से क्या थे, फेमस थे. ठीक है, जो रस्ते में रोक कर लोगों को लूटते थे, उन्हें मार देते थे. ठीक है, बट स्टिल एक समय में उन्हें एक ऐसा ज्ञान मिला कि अल्टीमेटली आज देखो पूरी दुनिया उन्हें रामायण के चरित्र करता रचयिता उसके नाम से जानती है. इनफैक्ट द फेमस ग्रंथ
बोल का बने सबको से कहते हैं। अगर हम राम जी की बात करें, राम जी के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, आप खुद सोचिए एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को इतना सा भी कंसीडर नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी जनता के लिए सब कुछ छोड़ दिया, इनफैक्ट अपने बच्चे को अपनी बीवी को, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि राम जी कितने जबरदस्त एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते होंगे, तो खुद सोचिए कि जब हमारे शास्त्रों में हमारे से पहले जो युग थे उनमें एथिक्स नॉर्म को फॉलो किया जाता है, एथिकल नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, तो इस युग में करना तो क्या है, अनिवार्य है। रवानी मस्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स फर्स्ट एड का अयोध्या कांड, अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो तो रामायण इज डाइवर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इट्स बाल कांड, इस अयोध्या कांड, इस क्या कहते हैं आपका वो राम जी वो लंका कांड, एंड देन आपका सुंदर कांड, इस तरह से आपके कई सारे बाल कांड, उसके बाद आपका वो जो लव कुश का कांड था, उत्तर कांड, इस तरह के कांड में वो क्या है आपकी डाइवर्टेड है। एंड सेकंड चैप्टर लोग तो सही बात है अयोध्या कांड जिसमें उनकी शादी थी, क्योंकि बाल कांड में तो रामायण जी का पूरा किस तरह से वो पैदा हुए थे, किस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, एंड अयोध्या कांड डेफिनेटली उसके अंदर ये बताया था कि किस तरह से राम जी ने सीता जी के धनुष तोड़कर उसे ब्याह किया था। सेकंड चैप्टर का भी कॉम्प्रेंस लेसन गुड गवर्नेंस, वन भारत भरत, आप लोगों को पता है यू नो द क्या आपका थे कि जो परशुराम जी का वो जो था धनुष था उसको लक्ष्मण जी भी तोड़ सकते थे, उनके अंदर भी इतनी पावर थी, बट स्टिल उन्होंने एक एथिकल नॉर्म से चलते अपने भाई को प्रिविलेज दिया, उन्होंने कहा उनका भाई जाएगा। द यंगर ब्रदर ऑफ राम गोज टू मीट द लेटर इन द फॉरेस्ट एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिटर्न टू अयोध्या एंड रूल द टू ब्रदर्स एंटर इनटू लॉन्ग एंड इंस्टीट्यूटिव डायलॉग। बिल्कुल सही बात है कि आप खुद देखिए कि जब वो 14 साल के वनवास पर चले गए थे, अगर आप लोगों को यह पता हो कि वो 14 साल के वनवास में जब राम जी चले गए थे तो भरत को पूरी की पूरी राजगद्दी मिल गई थी, क्योंकि उनकी माँ ने अपने पति से यही मांगा था, बट स्टिल भरत ने फिर भी जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, पर फिर भी राम जी का नाम ही पड़ा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि उनके पिताजी और माता जी ने उन्हें जो बात कह दी है वो उसको कभी मिटालेंगे नहीं, तो इसी वजह से वो वापस नहीं आए थे। बट भरत ने भी आपने देखिए उसके उनके एथिकल नॉर्म को उस टाइम पर देखिए, भरत ने भी उस टाइम पर क्या नहीं किया था, इतना सा भी इस बात का ये नहीं किया था कि ठीक है मैं अपने भाई को पूछ चुका हूँ और मैं क्या कर देता हूँ राजगद्दी पर बैठ जाता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, पर नहीं वो नहीं बैठे थे, उन्होंने वहां पर उनकी चरण पादुका रखी थी और फिर वो साइड में बैठे थे, क्योंकि उनका बैठना भी जरूरी था, क्योंकि जब कोई रह ही नहीं गया था तो कोई तो देश को कोई तो अयोध्या को चलाता, क्योंकि आपके दशरथ जी भी खत्म हो चुके थे, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि रामायण के अंदर कितना आपका इस तरह से एथिकल नॉर्म्स को शो किया गया है, ये अगर देखा जाए तो हम इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ऑनलाइन मुझे तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर देना होता है, तो ठीक है कब हम लोग बैठेंगे तब डिस्कस करेंगे। ऐसी भगवद गीता में आगे देखिए लॉर्ड कृष्ण डिटेल डिवाइन प्रेजेंस फियरलेसनेस, बिल्कुल अगर आप ये देखें भगवद गीता में आपको कभी याद होगा कि अर्जुन को राम जो कृष्ण जी थे उन्होंने बहुत जबरदस्त अपना जो रॉ रूप है उसको दिखाया था, और उस टाइम पर उन लोगों ने उन्होंने बताया था कि ये जो सृष्टि है ये कुछ नहीं है, ये मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है कौन मरना है, सबने मरना है, कौन मरेगा कौन जिएगा, ठीक है। उन्होंने बताया था कोई किसी से मोह नहीं रखता है, कि बोले जो मोह है इस धरती तक है, इस धरती के बाद अगर तुम जाके उन्होंने उसको बल्कि अर्जुन को अपने पुत्र से मिलवाया था, पांडव उनके पुत्र नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उनके पुत्र से मिलवाया था और स्वर्ग में जाकर जिसमें उनके पुत्र ने ही उनको जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं नाते होते केवल इस धरती तक होते हैं, धरती के बाद खत्म हो जाते हैं। तब उन्होंने बताया था कि जो एथिक्स होते हैं फेयरलेसनेस, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्योंकि अगर आप एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आप कभी डरेंगे नहीं, आपका हार्ट प्योर होगा, स्टेडफास्टनेस इन नॉलेज एंड योगा, बिल्कुल सही बात। अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं तो आप अपने ऊपर संयम रखेंगे हर तरीके से, चैरिटी बिल्कुल सही बात है, आप कभी भी किसी को दुखी देखेंगे तो आप डेफिनेटली उसको दान दक्षिणा देंगे, सेल्फ कंट्रोल एंड सेक्रीफाइस डेफिनेटली, एथिक्स का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो आप सेक्रीफाइस करें, एंड स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स Austerity and uprightness. The Bhagavad Gita emphasizes the concept of duty and its importance for good leadership. तो भगवद गीता का अगर एग्जाम्पल दें तो कृष्ण जी के बारे में इतनी बातें उन्होंने अच्छी अच्छी बताई हैं कि चाहे कृष्ण जी ने कितने रूल्स ब्रेक किए हों बट उन्होंने विदिन द क्या एथिकल नॉर्म्स क्या किए हैं ब्रेक किए हैं।
In our Bhagavad Gita, Lord Krishna motivated and encouraged leaders who govern to their duties. बिल्कुल सही बात है कि देखा जाए तो कृष्ण जी भगवान के वो क्या नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने पूरी की पूरी भगवद गीता में जब महाभारत रचा गया तो उस टाइम पर वो केवल सारथी बनकर घूमे, अर्जुन के साथ उन्होंने एक बार भी हथियार अपने हाथ में नहीं दिया। और देखिए एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या भी कर दिया, उन जो जिस अर्जुन के साथ थे उसको जवाब नहीं दिया बिना हथियार उठाए। आई नॉट टू रन अवे फ्रॉम ड्यूटी एज सर्जेंट, बिल्कुल सही बात है कि हमारे एथिक्स नॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हमें कभी भी अपनी ड्यूटी से क्या नहीं करना चाहिए, इतना सा भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए। जो आपकी ड्यूटी है आप उसको शिद्दत से निभाएं, ठीक है। वही कहना कि भगवान ने बोला है कर्म कर बेटा, फल की इच्छा मत कर, फल तो अपने आप मिलता है। वही कहना अगर हम लोग को मूवी याद है सीरियल तो काबिल बनो, सारा कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी, क्योंकि अगर हम कामयाबी के पीछे दौड़ेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, काबिल बनेंगे तो कामयाबी अपने आप आएगी, ठीक है। लीडरशिप परफॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग, बिसाइड्स वन कैन नॉट इवन मेकिंग वन फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। लॉर्ड कृष्णा फर्दर स्ट्रेस दैट ड्यूटी नीड्स टू बी डन विदाउट अटैचमेंट एंड फॉर दोज हु डू देयर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट विल अटेन द सुप्रीम गोल। बाय डूइंग देयर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट द लीडर ऑल्सो सेट एग्जाम्पल फॉर देयर पीपल, बिल्कुल। क्योंकि अगर मान के चलिए जब हमारा कोई लीडर बाय डूइंग देयर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, सीधी सी बात है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई लीडर होता है, आज हम इसके एग्जाम्पल मोदी जी से ले सकते हैं, मोदी जी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी अपने परिवार से कोई अटैचमेंट न रखकर वो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो एक ऐसे लीडर हैं जो सबके लिए एग्जाम्पल क्या करते हैं, सेट करते हैं कि हाँ बिना इमोशंस के उन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी उठा रखी है। लॉर्ड कृष्णा सर्वेंट व्हाटएवर द लीडर, क्योंकि देखिए अगर आप अपने इमोशंस को लेकर आएंगे तो कभी भी आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं सकेंगे। अर्जुन को भी तो कृष्ण जी ने यही कहा था कि अपने इमोशंस को एक तरफ रखो, और महाभारत में क्योंकि वो ये कह रहे थे मेरे चाचा ही मेरे मामा ही, युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, हर चीज जायज होती है युद्ध में, क्योंकि जब वो युद्ध में आपके ऊपर हथियार उठा सकता है तो आपका भी पूरा हक बनता है, आपके पास भी पूरा अधिकार है कि आप क्या उठाएं। यह एग्जाम्स के अंदर बताया गया है। आर्टिस्ट शास्त्र मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को शो भी कर सकती हूँ, आई कैन शो यू गाइज, देखिए अच्छे से देखिए, देखिए ये ना रक्षा वृद्धि पालन योगाक्षेम, आई कैन शो यू नियरली, आई कैन शो यू रक्षा वृद्धि पालन योगाक्षेम, रक्षा वृद्धि पालन योगाक्षेम। इट मींस जब कोई बंदा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो दिस इज योर एथिकल ड्यूटी, क्या दिस इज योर एथिकल ड्यूटी, मैं आप लोगों को यहां शो करती हूं रक्षा वृद्धि पालन योगाक्षेम। इट मींस जब कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है दिस इज योर एथिकल ड्यूटी कि आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, आप उसको ग्रोथ दें, आप सारे कंप्लायंस को फॉलो करें जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से स्पॉइल ना हो। एंड द वेल थिंग इज रिलेटेड टू क्या आपका सोसाइटी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था समाज, समाज अगर आप के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उसके लिए बने थे उसने वो आपको दे दिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके अंदर इन्वेस्ट करे ना करे, आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं बिना उसके आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि जिसको जिसने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उसको आपने दिया तो ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऐसा भी होता है जिसमें आप यूनिलैटरल ड्यूटी निभाते हैं, बायलैटरल ड्यूटी तो हमेशा कोई भी निभा सकता है, यूनिलैटरल का मतलब क्या, आपका हाथ हमेशा ऐसा रहता है चाहे सामने वाला आपको दे या ना दे। यूनिलैटरल यूनिलैटरल मतलब क्या होता है कि जब वन साइडेड क्या निभाई जाती है, ड्यूटी निभाई जाती है। तो नाउ हम लोगों ने ये वाली चीज आप लोगों के सामने पूरी तरह से, मैंने आप लोगों को आपको पूरी तरह से ये चीज डिटेल में बता दी। अब चार चीजें होती हैं, मैं चार बनाकर दे रही हूं तुम लोगों को, बीच में वर्ड आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बीच में क्या आएगा वर्ड आपका कॉर्पोरेट
हैव दिस प्रॉपर्टी. बिल्कुल. एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है क्या होता है, एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है इन चारों चीजों के इर्द गिर्द घूमता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फेयरनेस, यू शुड बी फेयर. सेकेंड, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट. मैंने आपको कल भी ट्रांसपेरेंसी का मतलब बताया था, कोई भी चीज आपकी हिडन ना हो. ठीक है. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई काम करो तो उसको पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ करो, और अगर आपने वो काम कर दिया वो गलत हो भी जाता है तो उसके प्रति पूरा उत्तरदायी आपका होगा. अपना उत्तरदायी किसी को पास ऑन करने की जरूरत नहीं. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर में आप लोगों को पहले बता चुकी. नाउ आई कैन शो यू दैट आपका लैपटॉप ऑल्सो. देखिए स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं आपके, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, सोसाइटी, कस्टमर, वेंडर्स जिन्होंने आपसे खरीदा है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये सब भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके अंदर. ठीक है, स्टेक होल्डर. ठीक है. एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा जेम्स, ये तो आपको बताइए हमारे यहाँ सारी क्लासिज्म के अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों के थ्रू आई, जैसे कि आपका लॉर्ड बुद्धा, आप बताते हैं आप जानते हैं महात्मा बुद्ध एंड महावीर जैन. लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो प्रोपाउंडेड फाइव प्रिंसिपल. देखिए कितने, फाइव प्रिंसिपल विच वर नोन एज आपका पंचशील. आई पंचशील, पंचशील दिस फाइव प्रिंसिपल आर नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मतलब जो गांधी जी ने भी कहा है, अहिंसा इज परमो धर्म, ट्रुथ सच, नॉन स्टीलिंग विदाउट चोरी. क्योंकि स्टील करने से कहीं ना कहीं आपके चरित्र में दाग आता है. आप खुद देखिए, केवल एक बार सुदामा जी ने चोरी की थी और उन्होंने जीवन भर अपना काटा था. किसके अंदर, किसके अंदर काटा था आपका, आप खुद बताइए. पूरे पूरी की पूरी मतलब एक जैसे होते ना गरीब आदमी, मतलब इतने बड़े भगवान का फ्रेंड होने के बाद भी गरीबों की उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी. सेलिब्रेसी एंड आपका नॉन इंटॉक्सिकेशन, बिल्कुल सही बात है. अगर आप नहीं कोई ऐप लगाएंगे अपने अंदर, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है आपका एबी होना गलत होता है, क्योंकि एबी होने से आदमी हर चीज से दूर चला जाता है. सक्सेस हासिल करना तो बहुत दूर की बात है. ट्वेंटी थर्ड चैप्टर ऑफ द क्या आपका उत्तराध्यार सूत्र. केसी गौतम डिस्कस द फाइव टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पंची एंड दिस फाइव टीचिंग, क्योंकि दोनों ने एक ही बात कही थी. महाभारत, महाभारत में बहुत सारी बातें कही है, सुनाओ. ये हम लोगों के लिए टॉपिक खत्म हो चुका है. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का समय समय पर विकास हुआ इंडिया के अंदर. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक फुल फॉर्म, एसोचैम. हमारे यहाँ सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो विकास हुआ वो 1992 में हुआ. 1992 में हमारे मिस्टर एनआर नारायण, यू नो इस, मैं आपको बताती हूँ कुमार मंगलम बिरला उसके चेयरमैन थे. कौन थे उसके चेयरमैन, कुमार मंगलम बिरला, जो कि सेबी की, एक तरह से देखा जाए सेबी के अंदर वो अथॉरिटी बनी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें कुछ लिस्टिंग एग्रीमेंट भी आपके क्या किए गए थे, मेंशन किए गए थे. ठीक है, और ये किस कमेटी के ऊपर बना था, कैडबरी कमेटी ऑफ यूएस, यूके, सॉरी कैडबरी कमेटी जो यूके की थी उसके ऊपर हमारा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी बनी थी. किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, मिस्टर कुमार मंगलम बिरला. क्या बोल रही हूँ मैं, सबसे पहले हमारे यहाँ 1992 में, क्योंकि 1991 में जब एलपीजी आया था तो उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो सेबी कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट को खत्म करके सेबी आया था. सेबी की ही अंडर आपकी कमेटी बनी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. हर कंपनी के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए जो अल्टीमेटली कंपनी के अंदर इस बात का ध्यान रखे कि कंपनी को सही तरीके से गवर्न किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनी थी. इन द लाइन ऑफ किसी किसी बात है, हम लोगों को एक रूट चाहिए था, एक वे चाहिए था, तो हम लोगों ने वो बनाई थी कैडबरी कमेटी ऑफ यूके, उसके बेस पर हम लोगों ने बनाई थी. उसके बाद फिर हमारे यहाँ कंसिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई एंड एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सेबी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू रिकमेंड इनिशिएटिव इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इनफैक्ट सबसे पहले कमेटी हमारी बनी थी कब, इट्स नॉट 1992, इट्स 1999, सॉरी गाइस, इट्स 1999. सबसे पहली कमेटी बनी थी हमारी कुमार मंगलम बिरला. ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, कुमार मंगलम बिरला इन्होंने ये कमेटी बनाई थी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस थी.
ठीक है, सबसे पहले बनी थी, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली इसकी भागदौड़ एन आर नारायण मूर्ति, आपको बहुत बहुत बड़ा नाम है ये, फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस एन आर नारायण मूर्ति ने इसकी चेयरमैनशिप को ले लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर एन नंबर ऑफ क्या आपके चेयरमैन है, जिसमें आपके नरेश चंद्र है, और उसके बाद फिर आपकी जीजे रानी का तो बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से बहुत सारे लोग आए, ठीक है, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारी क्या बनाई, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मतलब कमेटी तो बन चुकी थी, बस के चेयरमैन फर्स्ट ऑफ ऑल कुमार मंगलम बिरला रहे, उसके बाद फिर आपके नरेश चंद्र रहे, नरेश चंद्र के बाद एन आर नारायण मूर्ति रहे, एन आर नारायण मूर्ति के बाद जेजे रानी रहे, जेजे रानी के बाद क्या कहते हैं, उसके बाद तो बस फिर एन नंबर के आपके लोग आए जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के ऊपर बहुत सारे वर्क किए, ठीक है। तो ये मतलब एक साइड ब्रीफ देना था मेरे को आपको कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मतलब एक तरह से इवैल्यूएशन है, मतलब एक तरह से उसका आना हमारे कंट्री में कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे यहाँ मतलब इसमें एक तरह से देखा जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के अंदर ये बताया जाता है कि कंपनी के बोर्ड में कितने लोग होने चाहिए, कंपनी की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का जो उदाहरण है वो अच्छे से, ठीक है। क्लियर गाइस, नाउ मेरा ये टॉपिक आज के लिए यहीं पे खत्म हो जाता है, हम लोग इसको आज यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। कल से मैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें आपका बिजनेस कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गया, फिर भी आज जो हमारी क्लास थी वो एक ऐसी क्लास थी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है बट आपके सिलेबस से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल फिर भी आपको मैंने इसमें एक तरह से देखा था जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और कल से हम इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा आपका बिजनेस आते, उसके बाद आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके फाइन गाइस, ओके बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।